फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक डेसिमल देखेंगे। इस टॉपिक से एक नंबर आपका इस वीडियो को देखने के बाद ही कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि एनवीएस टीजीटी मैथ्स में एक नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। ठीक है, तो डेसिमल आपने पढ़ा होगा, जैसे आप 1/2 को लिख सकते हो 0.5, ठीक, डेसिमल। या फिर 1/3 को अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 0.333 एंड सो ऑन। जब पॉइंट के बाद कोई चीज रिपीट होती रहती है तो उसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट के बाद 3333 ही लिखा जा रहा है, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 3 के ऊपर बार बना दिया जाएगा। पॉइंट के बाद 3 है, उसके ऊपर बार का मतलब ही है कि 3 जो है वो आगे तक जा रहा है, मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 1/4 को आप लिख सकते हो 0.25, तो ये एंड हो चुका है इसका, ये आगे नहीं जा रहा है, इसका भी एंड हो चुका है। ठीक है, अगर आप एक वैल्यू देखें √2 या फिर √3, तो इसकी जो वैल्यू होती है 1.414 एंड आगे चलता रहता है। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो 1.732 एंड आगे चलता रहता है। तो होता क्या है, डेसिमल में हमारे पास कुछ चीजें हैं अलग अलग, जो आपको यहाँ से समझ आ जाएंगी कि कितने टाइप्स के डेसिमल आपके पास बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो इसमें आता है आपका टर्मिनेटिंग, और दूसरा इसमें आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत ही सिंपल है, एक वीडियो को देखने के बाद एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करो। ठीक है, तो डेसिमल में एक तो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जो खत्म हो जाए जिसका एंड हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हो जिसका एंड ना हो। टर्मिनेटिंग में क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1/2 को इसमें चेंज करते हो, मतलब 1/2 सॉल्व करते हो तो 0.5 आता है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों, क्योंकि 5 के आगे कुछ नहीं आ रहा है, यहीं पे खत्म हो गया, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक, अगर आप इसको देखते हो तो 0.25, तो ये भी क्या है, टर्मिनेट हो चुका है, 5 के बाद तो कुछ नहीं आ रहा है ना, तो 0.25 ये भी क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अब हमने देखा ये 0.33333 चल ही रहा है, ये तो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब √2 को अगर हम देखते हैं तो 1.414 चलता ही जा रहा है, दैट मीन्स ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें भी आगे बहुत सारे नंबर्स आते रहेंगे। ठीक है, √3 अगर देखते हैं 1.732, ये भी खत्म नहीं होता, तो ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्या होता है, टर्मिनेटिंग तो सिर्फ एक ही टाइप का बनेगा जो ये है, नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास फिर से दो टाइप आ जाएंगे। क्या, पहला आएगा आपका रिकरिंग और दूसरा आएगा नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में क्या होगा, जो भी चीज होगी वो रिपीट होती जाएगी, जैसे पॉइंट के बाद यहां पर क्या है 333, तो इसमें क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो ही रहा है, 0.3333 चल ही रहा है, तो ये जो है वो रिकरिंग के अंदर आ गया। ये वाला हुआ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बोथ। ठीक है, अगर हम इसको देखें 1.414, आगे जब आप इसमें नंबर्स चेक करोगे, आगे इसके आगे जो डिजिट्स होंगे, नंबर नहीं, इसके आगे जो डिजिट्स होंगे अगर आप उन्हें देखोगे तो कुछ भी उसमें रिपीटिव नहीं मिलेगा। अगर आप √3 की वैल्यू 1.732 एंड सो ऑन आगे तक अगर आप इसको देखोगे तो कुछ भी रिपीटेशन आपको इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग ही चलेगा, मतलब ऐसे नंबर अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं 1.732481 कुछ भी लिख दो 1976523 ऐसे चलता ही जा रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ भी पैटर्न नहीं बन रहा है रिपीटेशन में, अपनी मर्जी से कुछ भी चलता जा रहा है, कुछ भी पैटर्न नहीं है। तो जिनमें ये पैटर्न कुछ भी ना बने, कुछ भी हम ना सोच पाए कि क्या रिपीटेशन इसके अंदर हो रहा है, वो आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहा है, आगे तो चलता जा रहा है, और नॉन रिकरिंग इसलिए क्योंकि इसमें कुछ भी हमें ऐसा नहीं मिल रहा है जिसे हम कह दें कि वो रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आप इसका समझ सकते हो, जैसे हमने लिखा 0.343434 एंड ऐसे ही चल रहा है। इसमें क्या है कि 343434 ही रिपीट हो रहा है, तो जो चीज रिपीट होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.343434, तो हमने देखा यहाँ पर तो 3-4 ही रिपीट हो रहा है, तो हम बार बार ना लिख करके 3 और 4 के ऊपर बार बना देंगे।
अगर यहाँ पर मान लो 2 लिखा हुआ होता 0.234343434, तो अब भी दिख रहा है कि यहाँ पर 34 ही रिपीट हो रहा है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2 यहाँ पर लिखा जाएगा और 34 ही रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग के अंदर तो ये वाले आ गए जिनमें बार मिल जाएगा आपको पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में जो भी डिजिट्स लिखे हुए होंगे उनके ऊपर वो रिकरिंग के अंदर आ जाएंगे, और जिनमें आपको कोई भी पैटर्न फॉलो करता हुआ ना दिखाई दे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में क्या होगा, कुछ भी पैटर्न दिखाई देगा पॉइंट के बाद में, नॉन रिकरिंग में इस टाइप के नंबर्स बनेंगे। दूसरी चीज, ये जो है वो नॉन रिकरिंग के आंसर्स हैं, किसके आंसर्स हैं, सॉरी एग्जांपल्स किसके हैं, नॉन रिकरिंग के एग्जांपल्स हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर, इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्याएं, जैसे रूट टू रूट थ्री, इसीलिए मैंने इसकी एग्जांपल्स ली। रूट टू रूट थ्री, अगर आप रूट फाइव की वैल्यू निकालोगे तो वो भी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगी। अगर आप रूट सेवन की वैल्यू निकालोगे तो भी वही आएगी। अगर आप रूट नाइन की वैल्यू निकालोगे तो वो तो थ्री आती है ना, रूट नाइन की वैल्यू तो थ्री आती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम रूट के अंदर कोई वैल्यू रख रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। वो कैसी नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आप इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हो, और अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो आप ये कह सकते हो भाई, ये तो हमने रूट की बात की कि अगर हम रूट लिख रहे हैं तो इसके अंदर जो भी कुछ लिखा जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मतलब वो किसी भी तरीके से रूट से बाहर ना आ जाए। ठीक है, इसलिए हम 5, 7, 11, 13, 17 इस टाइप के नंबर्स के अंदर रखेंगे, वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे। अगर हम क्यूब रूट की बात करें, क्यूब रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो मैंने लिखा 27 का क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3। 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3। अगर किसी को ये चीज़ सॉल्व करनी ना आती हो तो ये चीज़ देख सकते हो, 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर है 1/3। क्यूब रूट का मतलब ही होता है 1/3 पावर, जब इसकी पावर ये है और ये फिर होल की पावर ये है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1/3 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 आ गया, और 3 क्या हो जाएगा, एक ये तो एक नंबर आ गया जिसे हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/1। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो और जहाँ पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो 3/1 की फॉर्म में इसे लिख सकते हो, तो एक रैशनल नंबर हो गया ये तो। ठीक है, तो अगर आप क्यूब रूट भी करके लिखते हो किसी भी नंबर का, तो वो नंबर कैसा होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की पावर 1/4 लिख रहे हो तो ये जो नंबर होना चाहिए वो 1/4 पावर से बाहर नहीं आना चाहिए, फोर्थ रूट से बाहर नहीं आना चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया, 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 और बाहर से पावर 1/4, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है तो 4 × 1/4 तो वापस 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 2। तो अगर आप पावर 1/4 भी किसी भी नंबर की करते हो तो वो जो भी नंबर होना चाहिए वो ऐसा ना हो जिसकी आप 1/4 पावर कर सको, है ना। मतलब कहने का ये है, अगर आप इरेशनल नंबर जानना चाहते हो तो जो जिस जो भी उसका अगर रूट करते हो तो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, क्यूब करते हो तो परफेक्ट क्यूब ना हो, पावर फोर्थ करते हो तो परफेक्ट ना हो। मतलब कहने का मतलब ये है, हर एक नंबर जो परफेक्ट ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, परफेक्ट फोर्थ पावर ना आप उसकी निकाल पाओ, तो वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। तो जितने भी ऐसे नंबर्स को हम, जैसे इसका मैंने लिख दिया 7, ऐसे नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के अंदर आ जाएंगे, और वो सारे नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर, इरेशनल नंबर्स। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये रहा इरेशनल नंबर, जब आप इसे डेसिमल की फॉर्म में लिखोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की फॉर्म में लिखा हुआ आएगा। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, अब आ जाओ रिकरिंग पे। ठीक है, ठीक, अब किस पे आना है, एक मिनट। अगर हम रिकरिंग की बात करें तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा 1/3 को हम 0.333 करके लिखा जा सकता है, या फिर 0.3 के ऊपर बार करके हम इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ना तो टर्मिनेट होता है और रिपीट हो रहा है, तो ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का एग्जाम्पल, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का एग्जाम्पल। तो इसको आप देख सकते हो कि ये क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है,
ठीक है, या फिर रैशनल नंबर की फॉर्म में है ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, क्या है, फ्रैक्शन या फिर रैशनल नंबर की फॉर्म में है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा उसे आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर ऐसा नंबर दिखाई दे 0.59 के ऊपर अगर बार कहीं पर लिखा हुआ दिखाई देगा तो उसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। दैट मीन्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं उन्हें आप फ्रैक्शन यानी पी अपॉन क्यू और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जैसे 1/2 को लिख सकते हो 0.5, 1/4 को लिख सकते हो 0.25। तो ये टर्मिनेटिंग है, इनको भी आप पी अपॉन क्यू या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला क्या कि जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है वो आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है उसे आप नहीं लिख सकते, वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, √2, √3, √5, √7 उस टाइप के, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम समझ लेंगे कि क्या चीज है जो हमें समझनी थी। क्वेश्चन जो पेपर में आपके आया हुआ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग, रैशनल नंबर पता ही है 1/2, 1/3, 7/8 इस टाइप से जो भी नंबर है आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो हमें बताना है, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बताना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो फर्स्ट ऑप्शन आपको ये दे रखा है, छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है और ध्यान क्या मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगी, कैसे आपको वो ध्यान रह जाएगी वो भी आपको यहीं पे बता दिया जाएगा। बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। फोर्थ पार्ट, 2^2 × 5 × 7^2। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हमें बता रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर आपको पहचानना होता है तो बस इतना देखो, ये एक फ्रैक्शन है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। जिस भी ऑप्शन के डिनोमिनेटर में अगर 2 है और 5 है और इसके अलावा 2 × 5 यानी 2 की कोई पावर और 5 की कोई पावर है, 2 और 5 और 2 × 5 इनकी कोई पावर्स अगर आपको दिखाई दे जाती है वही टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसके अलावा अगर आपको डिनोमिनेटर में कुछ और दिखाई दे जाए तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होता, ठीक है। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, जैसे मैंने कहा 1/2, तो सिर्फ मुझे 2 दिखाई दिया या फिर 2 की कोई भी पावर अगर आपको दिखाई दे जाए, 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4 या 1/2 की पावर 1000, कुछ भी आपको ये दिखाई दे जाए, ये हमेशा टर्मिनेटिंग होते हैं। देख लो चेक करके, 1/2 कितना होता है 0.5, 1/4 यानी 1/2 की पावर 2, 4 को लिखा 2 की पावर 2, इतना होता है, तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं। तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 2 की कोई भी पावर दिख जाए, सिर्फ 2 की पावर कोई भी, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। दूसरी बात, 2 की जगह पे अगर आपको 5 भी दिख जाए, 2 को आप 5 से रिप्लेस कर दो, 1/5 डिनोमिनेटर में अगर आपको 5 दिखता है या 5 की कोई भी पावर दिखाई देती है तो भी क्या होगा, वो ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मैंने कहा 1/5 कितना होता है 0.2, 1/25 सॉल्व करके देख लेना कितना आता है, वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर आपको डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 दिखाई दे या 2 की कोई भी पावर दिखाई दे या 5 दिखाई दे उसकी कोई भी पावर, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तीसरी बात, अगर आपको डिनोमिनेटर में सिर्फ नहीं बोलेंगे इस बारी, अगर आपको डिनोमिनेटर में 2 × 5 इसकी भी कोई पावर है, इसकी भी कोई पावर है, कुछ भी हो सकती है, पी और क्यू की वैल्यू एनी कुछ भी रखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी रखो, इसकी 3 रख दी, इसकी 10 रख दी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डिनोमिनेटर में ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 सिर्फ ये ही 2 है और उनकी कुछ भी पावर लिखी हुई होगी तो भी वो टर्मिनेटिंग ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो इसके साथ 3 लिख दे तो अब केस खराब हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही चाहिए या फिर सिर्फ 5 ही चाहिए या फिर 2 × 5 चाहिए या फिर 2 की पावर और 5 की पावर दोनों मल्टीप्लाई में इस टाइप से लिखा हुआ हो। अगर इनके साथ आप कुछ भी वैल्यू ऐड कर देते हो, जैसे इस ऑप्शन में 7 लिख दिया इसने, तो ये टर्मिनेटिंग अब नहीं रहेगा, ठीक। इसमें क्या हुआ, 2 है तो 3 लिख दिया, 3 लिख दिया तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा, 3 है 7 है ना 2 है ना 5 है तो टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा।
इसमें जो है सिर्फ 2 और 5 है तो ये टर्मिनेटिंग रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ अगर आपको टर्मिनेटिंग चेक करना होगा तो सिर्फ आपने क्या चेक करना होता है, डिनोमिनेटर में 2 या 2 की पावर कोई भी 5, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, 2 या उसकी कोई भी पावर, ठीक है, या 5 या उसकी कोई भी पावर, या फिर दोनों की मल्टीप्लीकेशन ही दिखाई दे, उसके अलावा आपको कुछ भी दिखाई दे जाए तो वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होता, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, लाइक भी करना और कमेंट करके भी बताना। धीरे धीरे आपको ऐसी वीडियोस छोटी छोटी और भी मिलती रहेंगी। अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो NVSTGT मैथ्स का तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी या फिर स्क्रीन पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो।